नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। बिहार सरकार के आदेश के बाद वैशाली जिले के 9वीं से 12वीं तक के कक्षा चलाने वाले विद्यालय एक बार पुनः हुए गुलजार। वैशाली जिला ब्यूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा, रिपोर्ट कमलेश किशोर। खबर वैशाली जिला से है, जहां पूरे देश में कोविड-19 से बचने के लिए लड़ाई चल रही है। वहीं राज्य सरकार द्वारा 4 जनवरी 2021 से विद्यालयों में 9वीं से ले 12वीं तक की पढ़ाई व्यवस्था बहाल करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद विद्यालयों में 4 जनवरी 2021 से लगभग 9 महीनों से ज्यादा बंद पड़े विद्या के मंदिरों में रौनक लौट आए और एक बार फिर विद्यालय परिसर में घंटी की आवाज गूंजने लगी। विद्यालय प्रांगण में घंटी बजने से छात्र छात्राओं के चेहरे चमकने लगे। विद्यालय खुलने के आज दूसरे दिन सुबह से ही विद्यालयों में बच्चों के आने का सिलसिला जारी हो गया है। इसी बीच हमारी टीम आज भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के रतनपुरा पंचायत में पढ़ने वाले जीए उच्च विद्यालय में पहुंची, तो हमारी टीम ने देखा कि कोरोना काल के दौरान लगभग 9 महीने से ज्यादा बंद रहे विद्यालयों में लौटे बच्चों ने विद्यालय खुलने के बाद काफी प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि हम लोगों को विद्यालय के बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग फिर एक बार अपने साथियों के साथ बैठ पढ़ाई कर सकेंगे। इस बीच हमारी टीम की बातचीत पढ़ाई कर रहे हैं कुछ बच्चों से, शिक्षकों से एवं विद्यालय प्रधान से बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा सुनते हैं खुद उनसे। बहुत, तुम्हारा नाम क्या है? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी, किस कक्षा में हो? नाइन्थ में है। विद्यालय 9 महीना बंद रहा, 9 महीना के बाद क्लास करने आई हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई आज हो रहा है? नाम क्या है आपका? निधि कुमारी। निधि कुमारी है, किस कक्षा में है? नाइन्थ में है। आपका विद्यालय कितने दिन बंद रह गया? 9 महीना। 9 महीना बंद रह गया, कैसा लग रहा है आज 9 महीना के बाद स्कूल आई है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पढ़ाई हो रहा है? हाँ। सर आपका नाम क्या होगी? रत्नेश कुमार ओझा। रत्नेश कुमार ओझा। सर आज 9 महीने के बाद बच्चों के साथ आप क्लास ले रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, लग रहा है जो शैक्षणिक माहौल है, हमें तो लगा था कि ये कोरोना का ही हम लोगों के पढ़े हुए को न भूलवा दे और ये बच्चे धीरे धीरे हम लोगों का नाम भी न भूल जाएं, स्कूल की तरफ आना न भूल जाएं, तो ये इस स्थिति में विद्यालय खुला तो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा हुआ और साथ साथ हम लोगों को बहुत अच्छा यहाँ माहौल लग रहा है कि अब पढ़ाई अपने ट्रैक पर धीरे धीरे आ रही है। ये मैडम, आप विद्यालय के प्रधान हैं, मैडम आपका नाम क्या हो गया? अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी मैडम, आज 9 महीने, लगभग 9 महीने के बाद विद्यालय खुला है, बच्चे का आगमन शुरू हो गया है, तो ये बताइए कि पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के बीच अभी कैसा माहौल लग रहा है? बच्चे तो आए हैं बहुत दिनों के बाद, तो उनको बहुत खुशी महसूस हो रही, बच्चे पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक थे, इतने दिनों से जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे उनको तो घर बैठे बैठे सारे बच्चे बोर हो गए थे, लेकिन अब जब स्कूल आए हैं बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सारे टीचरों को वो लोग मिस करते थे, इसलिए बच्चे जब आए हैं तो बहुत बच्चों का रिस्पांस मुझे अच्छा मिल रहा है, बच्चे खुश हैं। विद्यालय खुलने का कुछ गाइडलाइन सरकार से मिला है, उसमें क्या गाइडलाइंस है कि पहले, सबसे पहले तो हम लोगों को भी विद्यालय में साफ सफाई सैनिटाइज करके सारे कमरों को, जितने बच्चे बैठेंगे सारे इसमें सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, साफ सफाई का पूरा प्रयोग कर देना है, फिर बच्चों को मतलब मास्क पहन के आना है, बच्चे मास्क पहने रहेंगे हमेशा, और ज्यादातर जैसे हाथ की सफाई फाई वगैरह हमेशा हाथ का सफाई करते रहना है, और नाश्ता और पानी वगैरह घर से लेकर आना है, इधर उधर का कुछ खरीद करके नहीं खाना है, ठेला वगैरह विद्यालय में नहीं लगाने देना है, ये सब का हम लोगों को निर्देश दिया गया है, और बच्चे साफ सफाई पूरा रखें इस बात का ख्याल रखा है, और बच्चे किसी बच्चे की अगर तबीयत खराब होती है, सर्दी हो जाती है, खांसी वगैरह है या कुछ ऐसा है, तो उन लोगों को बच्चों को ये हम लोगों को कह देना है कि 2-4 दिन अपना रह करके घर पे इलाज करवा लो, फिर आ करके स्कूल आप क्लास कर सकते हैं। ये मैडम एक चीज आप बोली है कि बच्चे को मास्क लेके आना है, अगर मास्क विद्यालय से मिला है, हम लोग विद्यालय से भी मिला है ना? जी हम लोग बांटे हैं स्कूल से, कल हम लोग बांटे, आज ही बांटे हैं, और अभी 50% बच्चों को ही आना है, सरकार की तरफ से हम लोगों को ये निर्देश दिया गया है डीओ साहब की तरफ से कि 50% बच्चे ही अभी स्कूल में आएंगे, ऐसे रूटीन बना देना है कि जैसे G1 G2 के एक दिन आएंगे, फिर G3 G4 के बच्चे एक दिन आएंगे, और फिर जो आज बच्चे आएंगे वो कल नहीं आएंगे, फिर नेक्स्ट डे आएंगे, अल्टरनेट करके बच्चों को आना, इस तरीके से हम लोगों को ये निर्देश दिया गया विभाग।